एंड गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, दिस इज़ कबीर एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कबीर्स पेरिला स्पॉट। गाइस, अभी हो गया सुबह का 6:30, जो मेरा एक बहुत दिन से मतलब ख्वाहिश था कि टेंट में एक रात बिताओ। तो अल्टीमेटली कल रात मैंने टेंट में ही रहा और अभी जस्ट टेंट नींद से उठा हूँ। अभी फ्रेश भी नहीं हुआ, चाय भी नहीं पिया। अभी आप लोग का यहाँ का पूरा व्यू, जो टेंट का बाहर है उसका व्यू पूरा मैं दिखाऊँगा, जो अल्टीमेट व्यू है। और ठीक है, बात का बाद में, पहले टेंट का व्यू, टेंट का जो बाहर का जो व्यू आता है, अभी धूप भी उठ गया, वो व्यू पहले मैं आप लोग के साथ अभी शेयर करूँगा। तो गाइस, ये रहा बाहर का व्यू। कल रात हम लोग यहीं पे इसी टेंट पे सोए थे। हम लोग का साइड में भी बहुत सारा टेंट था, 3-4 टेंट लगा हुआ था। और जो आज सुबह का वेदर है ना, काफ़ी अच्छा वेदर है, पूरा सनी वेदर है। और इस साइड में भी टेंट था। ये है यहाँ का आसपास का नज़ारा, अभी सब मतलब उठ गया। यही वो गेस्ट हाउस का व्यू है। काफ़ी सुंदर व्यू है। मेरा दोस्त भी उठ गया, दोस्त भी अभी फ्रेश होने गया है। मैं अभी आप लोग को फुल व्यू वहाँ आगे जाके और व्यू दिखाता हूँ। यह है वही गेस्ट हाउस का व्यू। यहाँ पे भी टेंट लगा हुआ था, मतलब 2-3 जगह पे टेंट था। अभी फुल व्यू में अभी आप लोग के साथ शेयर करने वाला हूँ, इसीलिए अभी और कोई बात नहीं, डायरेक्ट व्यू पे कंसंट्रेट करते हैं। हम लोग का जो ब्रेकफास्ट वो हो गया, ब्रेकफास्ट में हम लोग किया मैगी किया। और अभी हम लोग यहाँ पे ज़्यादा लेट नहीं करके यहाँ से निकल जाएंगे, क्योंकि
अभी भी ट्रैकिंग करना है, ट्रैकिंग कर नीचे उतरना है, वो भी बहुत सारा बाकी है ट्रैकिंग का। तो वहाँ पे जाके आज सोच रहा है, वहाँ पे कोहिमा पे एक हॉर्नबिल फेस्टिवल करके होता है, वो भी व्यू आप लोग के साथ मैं शेयर करूँगा। मैं यहाँ से जाके जहाँ पे रूम स्टे पे मैं हम लोग बैठा था वहाँ पे जाके लंच करके हम लोग निकल जाएंगे हॉर्नबिल फेस्टिवल के लिए। हॉर्नबिल फेस्टिवल का व्यू दिखा के फिर वहाँ से हम लोग फिर होम स्टे में आ जाएंगे, होम स्टे में आ जाएंगे, फिर कल हम लोग दिखाएंगे आप लोग को वायर सिमेट्री, उसका बाद हो गया एशिया का फर्स्ट विलेज, सब कुछ दिखाएंगे। तो ये रहा कुछ व्यू, ये व्यू मैं थोड़ा देर पहले भी आप लोग के साथ शेयर किया, व्यू तो काफ़ी मस्त है और आप लोग भी यहाँ पे आइए एक बार, काफ़ी मस्त व्यू है। तो गाइस हम लोग का सब कुछ हो गया, फ़ोटो वगैरह सब कुछ खींच लिया, अभी सब पेमेंट वगैरह हो गया, टेंट का जितना पेमेंट था सब कर दिया, खाने का बिल का सब पेमेंट हो गया, अभी हम लोग यहाँ से निकलते हैं। अभी का टाइम हो गया 9 AM। तो बीच में और हम कोई फ़ोटो शूट नहीं करेंगे, वीडियो शूट भी नहीं करेंगे, एकदम आप लोग के साथ फिर से मीट होगा जहाँ पे हम लोग मतलब हम लोग को गाड़ी आके लेके छोड़ा था वहाँ पे जाकर आप लोग के साथ फिर मीट होगा। और आज का जो डिस्क्रिप्शन मतलब क्या टेंट का क्या रेट है, खाने का क्या रेट है, मैं सब कुछ बताऊंगा वीडियो का लास्ट में जाके, रूम में जाके बताऊंगा, क्योंकि अभी लेट हो गया क्योंकि हम लोग को जल्दी पहुँचना है। आज मैं कोशिश करेंगे हॉर्नबिल जाने के लिए भी। तो वीडियो का साथ में रहिए, वीडियो को अंत तक देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा, काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होने वाला आज का वीडियो भी। और वीडियो का अगर अच्छा लगा देन लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा। तो अभी यहाँ से चलते हैं। तो गाइस मैं अभी मतलब चेकिंग कंप्लीट करके मेरा जो होम स्टे है वहाँ पे आके पहुँच गया, अभी यहाँ पे लंच कर लिया। अभी यहाँ से जो हॉर्नबिल फेस्टिवल है जो नागालैंड का एक फेमस फेस्टिवल है, उस फेस्टिवल का जो मतलब जिस जगह में होता है उसी का अभी मैं कुछ वीडियो शूट करूँगा आप लोग के साथ शेयर करूँगा। जैसे फेस्टिवल तो अभी नहीं होता है, फेस्टिवल दिसंबर में होता है, 2 दिसंबर से स्टार्ट होता है, एक दिसंबर से स्टार्ट होता है। तो अभी जाएंगे जाके वहाँ का जो व्यू है वो अभी आप लोग के साथ शेयर करेंगे। तो फ्रेंड्स यही है हॉर्नबिल फेस्टिवल का जो एंट्रेंस, यहीं से एंट्री करना पड़ता है। तो मैं अभी आप लोग को अंदर में जाके एंट्री करके सब कुछ दिखाऊंगा क्या क्या है यहाँ पे, क्या एक्चुअली तो अभी तो फेस्टिवल नहीं चल रहा है, फिर भी सब कुछ मतलब जो है सब कुछ बना के सब कुछ मैं अभी आप लोग को दिखाऊंगा।
का बाद आप लोग को एक बात बोला था मैं, जो यहाँ का जो वर्ल्ड सेकंड वर्ल्ड वॉर का एक म्यूज़ियम है वो आप लोग के साथ शेयर करूँगा, लेकिन मैं गया था म्यूज़ियम में लेकिन म्यूज़ियम बंद था तो इसलिए मैंने आप लोग के साथ शेयर कर नहीं पाया। अभी मैं होम स्टे पर आ गया हूँ। तो आज का जो मेरा जर्नी था वो था जुको वैली का, पहले आप लोग को दिखाया वहाँ का ब्यूटी, उसका बाद ट्रैकिंग करके हम लोग नीचे आया, उसका बाद हॉर्नबिल फेस्टिवल दिखाया, और कल मेरा जो टारगेट है यहाँ का महिमा का सीमेट्री, उसका बाद यहाँ का एक चर्च, और मतलब प्लान है यहाँ पे एक विलेज है जो ब्यूटी बहुत अच्छा बहुत खूबसूरत विलेज है, वो विलेज भी एक्सप्लोर करने का, लेकिन कितना कुछ हो पाएगा मुझे मालूम नहीं क्योंकि कल मुझे घर भी जाना है। तो जितना हो सके मैं आप लोग के साथ शेयर करूँगा। तो आज का वीडियो के लिए मैं कुछ टिप्स देना चाहता हूँ, अगर आप लोग को किसी को भी जुको वैली आना होगा, मैंने पहला वाला वीडियो में ही बोला था अगर बाई फ्लाइट आना चाहते तो दिमापुर, दिमापुर से कोहिमा, कोहिमा से आप लोग कार लेके प्राइवेट कार रिजर्व करके या शेयरिंग कार में भी आ सकता है, यहाँ पे ट्रैकिंग पॉइंट तक आ सकता है, उसके बाद आप लोग को चेकिंग करना होगा। अगर मतलब जो जिन लोग को चेकिंग में थोड़ा मतलब कभी किया नहीं उन लोग को टाइम लग सकता है, तीन चार घंटा लग सकता है, जो लोग हमेशा ट्रैकिंग करते हैं उन लोग को 2 घंटा या 3 घंटा में हो जाएगा कंप्लीट। और जो बाय ट्रेन आना चाहते हैं वो भी दिमापुर आ सकते हैं, दिमापुर से कोहिमा, कोहिमा से बाय कार ट्रैकिंग पॉइंट तक जाना है। और इस ट्रैकिंग के लिए कुछ नेसेसरी टिप्स में देना चाहता हूँ, आप लोग साथ में लगेज थोड़ा कमती दीजिएगा, शू को थोड़ा हल्का शू रखिएगा जिसका ग्रिप भी थोड़ा अच्छा हो, और बाकी इजी है, कोई टफ नहीं है ट्रैकिंग, मेरा थोड़ा टफ हुआ था लेकिन सबका तो टफ नहीं होगा, तो कोई बहुत खूबसूरत जगह और ट्रैकिंग भी इतना हार्ड नहीं है, इजी है, आप लोग ट्रैकिंग कर सकते हैं। तो आज का वीडियो मैं यहीं पे समाप्त करूँगा, अगर मेरा इस वीडियो को अच्छा लगा देन लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा, और मेरा जो कल का वीडियो है तो मैं ये बोल ही दिया क्या क्या मुझे मतलब मैं एक्सप्लोर करने जा रहा हूँ। तो आज के लिए इतना ही, बाय, गुड नाइट, जय हिंद।